प्रथमा बैंक के मुख्य कार्यालय पर सीबीआई का छापा। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश प्रथमा ग्रामीण बैंक के प्रधान कार्यालय पर सीबीआई ने छापा मारा। यहां पर सीबीआई के करीब 15 अधिकारी 3 गाड़ियों से पहुंचे, जिसके बाद सीबीआई के अधिकारियों ने प्रधान कार्यालय के मुख्य गेट को बंद कर पूछताछ शुरू कर दी है। सीबीआई के बैंक के जीएम के घर भी तलाशी ली गई, जहां से पैसे और एलसीडी बरामद की गई है। दरअसल मामला बैंक के जीएम के भ्रष्टाचार में लिप्त होने से जुड़ा है। शुरुआती जानकारी के अनुसार सीबीआई ने प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक के जीएम को 5 लाख और एलसीडी की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। आरोप है कि जीएम रिकवरी एजेंसी से 5 लाख रुपए की रिश्वत की मांग कर रहे थे। सीबीआई की टीम ने जीएम रविकांत के घर और प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक के प्रधान कार्यालय पर एक साथ छापेमारी की। बताया जा रहा है कि सनराइज रिकवरी एजेंसी के संचालक शेख जमीर से उनका काम कराने के एवज में जीएम ने रिश्वत की मांग की थी। साथ ही रिकवरी एजेंट ने जीएम को एक एलईडी भी दी थी। ये एलईडी जीएम के घर से सीबीआई ने बरामद की है। दोपहर से ही सीबीआई की 20 से 25 सदस्य टीम मुरादाबाद पहुंच गई थी, जिसके बाद टीम बैंक के प्रधान कार्यालय और जीएम के घर पहुंची। आपको बता दें कि प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक की इससे पहले भी सीबीआई की कई जांचें चल रही हैं। अमरोहा से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोप में पिछले साल ही सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया था। इसके अतिरिक्त एक अन्य मामले में भी सीबीआई बैंक के अधिकारियों की जाँच कर रही है। सूत्रों के अनुसार सीबीआई की टीम दोपहर से ही जीएम से पूछताछ कर रही है। साथ ही सीबीआई की टीम ने बैंक के चेयरमैन को भी तलब किया है। संभावना जताई जा रही है कि सीबीआई जीएम रविकांत को गिरफ्तार कर सकती है।